सोमवार को 85 लाख रुपए की लागत से बने नवीन पुलिस थाना भवन का लोकार्पण किया गया। इस समारोह में एसपी शिवदयाल सिंह एवं विधायक आशीष शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर नवीन पुलिस थाना भवन का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से पूर्व विधायक ब्रजमोहन दूत, कैलाश कुंडल के साथ ही एसडीओपी ज्योति उमट सहित आसपास के सभी थाना प्रभारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने किया और अंत में आभार कन्नौज थाना प्रभारी शिव मुरत यादव ने माना। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। थाना भवन का लोकार्पण हुआ था, आभार हुआ है। इसमें सभी स्थानीय जनप्रतिनिधि, हमारे स्थानीय विधायक महोदय और सभी जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में आज ये लोकार्पण हुआ। अब यहाँ जो पुरानी बिल्डिंग में थाना चल रहा था उसको शिफ्ट करके नए भवन में थाने का कार्यकाल शुरू होगा। यहाँ के सभी नागरिकों को और सभी पुलिसकर्मियों को मेरी शुभकामनाएं हैं। हमें उम्मीद है कि आम जनता की अपेक्षाओं पर यह थाना और ज़्यादा अच्छी उम्मीदों पर खड़ा होगा और बेहतर कार्यप्रणाली के साथ यहाँ का पुलिस का नाम करेगा। जिस तरह से पहले भी चर्चा हुई थी कार्यक्रम में कि क्वार्टर जो पीछे जगह है उसमें आवासीय भवनों के लिए एक प्रपोजल हमने भेजा है। 64 आवासीय भवन यहाँ पर बनने वाले हैं। उसके लिए यहाँ पर न केवल कन्नौज बल्कि कन्नौज सब डिवीजन आने वाले सभी थानों के स्टाफ और उनके परिवार ने करेंगे कि चूंकि देवास हेडक्वार्टर से यहाँ पर दूरी 100 किलोमीटर से ज़्यादा है तो हम एक ऐसी डिमांड शासन से करेंगे कि यहाँ पर भी एक छोटी यूनिट एस्टेब्लिश की जाए ताकि यहाँ की आवश्यकताओं को बेटर किया जा सके। परिसर का लोकार्पण हुआ है। इस अवसर पर पुलिस कप्तान यहाँ पर आए। हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं क्योंकि नेशनल हाईवे और बहुत सारा ग्रामीण क्षेत्र यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इसलिए कुसमानिया में एक पुलिस चौकी खोली जाए। बुधवार थाने को चौकी से पुलिस थाने में अपग्रेड किया जाए। यहाँ पर एक फॉलो वाहन और दिया जाए ताकि दुर्घटना की स्थिति में या अत्यावश्यक मामलों में त्वरित गति से पुलिस मौके पर पहुँच सके। निश्चित ही मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा थाना परिसर यहाँ पर दिया है। पहले जो कमियाँ थी वो अब दूर होंगी। पर्याप्त जगह है, आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस ये नवीन थाना परिसर है। पुलिस का काम है अपराधी तक पहुंचना, अपराध को समाप्त करना और पीड़ित लोगों की हर संभव मदद करना ताकि उन्हें न्याय मिल सके। मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश की पुलिस इस कार्य में अब इस नवीन थाना भवन बनने के बाद और ज़्यादा तत्परता और ज़्यादा जागरूकता और ज़्यादा मेहनत के साथ करेगी ताकि क्षेत्र में अमन शांति और अपराध के खिलाफ लड़ने की जो मुहिम पुलिस की है वो और ज़्यादा सफल हो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।